नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं तीन मूवी के कंपैरिजन को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को रिलीज़ होकर 4 दिन हो गए हैं, तो आइए हम देखते हैं कि दंगल, बाहुबली 2 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कौन सी मूवी डे वाइज आगे है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दंगल मूवी की। इसने पहले दिन 29.78 किया था। बाहुबली 2 ने पहले दिन 41 करोड़ का किया था और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 52.25 करोड़ का किया था। पहले दिन का रिकॉर्ड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम पर। दंगल ने दूसरे दिन 34.82 करोड़ किया था। बाहुबली 2 ने 40.50 करोड़ किया था और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 29.25 करोड़ किया था। तो सेकेंड डे का जो रिकॉर्ड था बाहुबली 2 के नाम पर रहा, और सेकेंड नंबर पे दंगल और थर्ड पे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आइए बात करते हैं तीसरे दिन की बात। दंगल ने तीसरे दिन 42.41 करोड़ किया था और बाहुबली 2 ने 46.50। यहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही ड्रॉप होते हुए 23.50 के साथ थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर बाहुबली 2, और इनका वीकेंड तीन दिन का दंगल का 106 करोड़ का था, बाहुबली 2 कंक्लूजन का 127 करोड़ का था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का वीकेंड था 105 करोड़ का। यानी कि दोनों मूवी के पीछे इसे मेकर्स को पता चल जाना चाहिए कि पब्लिक को क्या पसंद आ रही है। दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में एक कहावत, मतलब हर यूट्यूबर्स में पब्लिक भी यही कह रही है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में डायरेक्टर ने ठग लिया पब्लिकों को। यहाँ पे आमिर खान अमित और फातिमा सेन और जो भी कलाकार, इनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी देना था 100% दिया एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डायरेक्शन इतनी कमज़ोर थी, स्टोरी इतना ख़राब था, स्क्रीन प्ले नहीं संभाल पाए, तो इस तरह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहा है। आइए चौथे दिन की बात करते हैं। 25.69 करोड़ दंगल का चौथे दिन था, बाहुबली 2 का वहीं पे चौथे दिन 40.25 स्ट्रॉन्ग होल्ड था, 40 का आंकड़ा मेंटेन करते हुए लगातार 4 दिन तक, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 18 करोड़ पे मिले अपडेट के हिसाब से। और यहीं आप बात कर लेते हैं पाँचवें दिन की। दंगल का 23.09 था, बाहुबली 2 का 30 करोड़ था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का मेरा प्रेडिक्शन कहता है 5 से 6 करोड़ का आएगा, 5 करोड़, क्योंकि इस जिस हिसाब से ड्रॉप हो रहा है, जिस हिसाब से नेगेटिविटी है मूवी की, और इस मूवी को बहुत मुश्किल है 200 करोड़ का आंकड़ा पार करना, ये मेरा डेटा कह रहा है लोग, बिकॉज मूवी भले ही कितनी अच्छी हो या कितनी ख़राब हो, अगर पब्लिक की नेगेटिविटी यूट्यूबर्स मतलब नेगेटिविटी फैलाया जाएगा तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवी पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। मूवी अच्छी हो या भली, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पब्लिक के हाथ में है। तो मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन आएगा पाँचवें दिन का ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, वो आएगा 5 से 6 करोड़। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंपेरिजन इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।